सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भी इरेडा को लेकर। आप लोग देखोगे इरेडा है, हुडको है, कोचिंग शिपयार्ड है, इन सभी शेयरों में हमें अचानक से एकदम से फॉल देखने को मिला था लास्ट में आकर 3 बजे के आसपास। सभी ने नोट किया होगा ये चीज़ें। और कुछ एक शेयर है जहाँ पर हमें तेज़ी भी देखने को मिली, वोडाफोन आइडिया है, ये स्टॉक भी इसके अंदर ऐसा अनुमान था वो नहीं था कि ये स्टॉक टूटेगा, बट यहाँ पर कुछ एक खबरें आनी थी उसकी वजह से स्टॉक ये गिरा है। बट इरेडा आप लोग देखोगे, हुडको आप लोग देखोगे, कोचिंग शिपयार्ड आप लोग देखोगे, ये स्टॉक तेज़ी में चल रहे थे या फिर अपने प्राइस के आसपास थे, ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं था इनमें, लेकिन लास्ट में आता था ये स्टॉक आप लोग कितनी ज़्यादा करेक्शन दिखाते हुए नजर आए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था भी, आपने देखा होगा अभी MSCI इंडेक्स को लेकर अपडेट आई थी और बहुत से निवेशकों के कमेंट भी थे कि MSCI इंडेक्स की अपडेट आई है, MSCI इंडेक्स की अपडेट आई है। देखो भी MSCI इंडेक्स की अपडेट आई है, वो भी एक कारण है स्टॉक में गिरावट के पीछे। तो ये जो गिरावट है वो इस MSCI इंडेक्स की वजह से 2 बार स्टॉक में हो चुकी है। एक आप लोग देखो, जो पहली बार इसका अपडेट आया था 13 तारीख को, 13 अगस्त को, उस टाइम पर भी ये शेयर आप लोग देखोगे भी लगभग 250 रुपये प्लस में था, 250 प्लस में था, 255 260 उस रेंज में था ये शेयर उस टाइम पर 13 तारीख को। और जैसी ये खबर आई 250 के ऊपर में था, तो ये स्टॉक वहां पर भी आप लोग देखोगे उसका इंपैक्ट आया था इस खबर का, और ये शेयर 240 रुपए के नीचे में आ गया था, 236 रुपए के भाव में भी आ गया था ये, ठीक है, जब ये पहली बार अपडेट आई थी कि MSCI इंडेक्स से इसको एग्जिट किया जा रहा है, हुडको को एग्जिट किया जा रहा है, वहाँ पर भी गिरावट देखने मिली, कोचिंग से प्यार को एग्जिट किया जा रहा है, वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। बट उस टाइम पर एक बात बोली गई थी कि ये जो अभी के टाइम तो ये आ गया, अभी इनके यहाँ से तो आउट फ्लो होगा, तो आप लोग देखोगे 30 तारीख को इसका इम्पैक्ट रहने वाला है, 30 तारीख को ये बदलाव होने हैं, ठीक है, उस टाइम तो अनाउंस हुआ था लेकिन 30 तारीख को बदलाव होने हैं। तो भाई देखो यहाँ पर फिर इसका इम्पैक्ट आते हुए नजर आए, क्योंकि 30 तारीख को यहाँ पर आउटफ्लो होना था ना अभी, इस वजह से यहाँ पर बिक्री हुई है। तो ये सबसे बड़े कारण रहे हैं अभी इन शेयरों में गिरावट के पीछे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे भी इसका आप लोग देख सकते हो जाकर, अगर मैं बात करूँ 13 तारीख की, तो 13 तारीख को ये आई थिंक इस भाव में था, यहाँ पर देखोगे भी 12 तारीख को था ये 247 के आसपास, और उसके बाद जो शेयर है आप लोग जैसी अनाउंसमेंट हुई थी 236 तक आ गया था ये उस टाइम पर 14 तारीख को, ठीक है। तो ये कारण था भी उस टाइम पर गिरावट का। और अभी टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक था 254-55 के आसपास, और वहाँ से स्टॉक टूटा सीधा आ गया 240 के भाव में। तो ये अचानक से गिरावट के पीछे का रीजंस रहा है भाई, ठीक है। चलिए अब इसका चार्ट वगैरह देखते हैं। वैसे कंपनी ने एक दिन पहले बोला था कि ये जो है 4500 करोड़ फंड रेजिंग करेगी, उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है, पॉजिटिव बातें। इसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक 45 के पी पर ट्रेड कर रहा है, और इसके अपोजिट आप लोग देखोगे जो RCPF से वहाँ पर UBS की रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल पॉजिटिव उन शेयरों को लेकर। तो देखो भाई ये स्टॉक भी उसी कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको भी हम होल्ड करके चलेंगे। अगर आपने खरीद रखा है तो 310 रुपये का इसका 52 वीक हाई, और वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15-20% के आसपास का, तो ये मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए, तो इसे हम यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। और कम से कम 1 साल के लिए ज़रूर इसे रखिए, 1 साल में स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है भाई। चलिए अब इसका चार्ट और चार्ट वगैरह देख लेते हैं आगे के कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। और तो कोई खबर है नहीं अभी यहाँ पर, ठीक है, 4500 करोड़ की खबर थी, यही मार्केट में घूम रही है अभी के टाइम, तो इसके अलावा कोई और न्यूज़ नहीं आई है इसके अंदर। चलिए अब देख लेते हैं चार्ट। तो अभी के टाइम देखो भी इस के अंदर जो सपोर्ट वगैरह था, जिसको देखो भाई रिस्क नहीं लेना था, मैंने पहले बोल रखा था 246 का सपोर्ट है, जिसको रिस्क नहीं लेना भी यहाँ पर, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो चल रहा थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बारे में सोच रहा था, 232 का सपोर्ट है नीचे में, ठीक है, और उसके भी नीचे में अगर शेयर जाता तो SIP हमने स्टार्ट कर ही रखी इसके अंदर। तो हर गिरावट के अंदर थोड़ा थोड़ा जो माल है वो हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करते रहेंगे, अगर कंपनी अच्छी है तो भी विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर बना रहे हो। तो अभी के टाइम तो सपोर्ट 232 का, जिसको रिस्क नहीं लेना आगे के लिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है तो सपोर्ट वगैरह अभी आप लोग रहने दो भाई, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट में शेयर है और यहाँ से स्टॉक में एक रिवर्सल आएगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक झटके में उस भाव में पहुँच जाएगा, देखो 23% के आसपास गिरावट में है ना, तो एक झटके में तो देखो ये जो गिरावट मैंने कवर करने से रहा, अगर थोड़ा बहुत और जाता है 5-10% नीचे में, तो SIP करते रहिए, ठीक है। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रख लीजिए, और यही स्टॉक आप लोग देखोगे, और भी बहुत सारी कंपनियाँ भी आप लोग देखो, इरेडा को जब स्टेटस मिला था ना, वो क्या बोलते हैं नॉर्थर्न स्टेटस मिला, तो स्टॉक ये 15% तक उछला था, ठीक है। अब आप लोग 3 कंपनी आपके सामने हैं, रेलटेल कॉरपोरेशन,
एसजेविन और एनएचपीसी, इन तीनों कंपनियों को शुक्रवार मार्केट क्लोजिंग के बाद कंपनियों ने अपडेट दिया कि इन तीनों को ही नवरत्न स्टेटस मिला है और ये स्टॉक कल के दिन एक्शन में रहेंगे। तीनों शेयरों को अपने जो वॉच लिस्ट उसमें ऐड कर लीजिए। जो ऐसा भी स्टॉक अपने भाव के आसपास ओपन होए तो वहाँ पर ट्राई कर सकते हो आप लोग इंट्राडे के लिए भी। तो ऐसी खबरों के लिए जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी खबरें आ रही हैं उसका अगले दिन जो रिएक्ट होगा वहाँ पर आप थोड़ा बहुत कमा सको। और ये जो ना भी देखो, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खबरों के ऊपर नजरें रखना। अगर आप लोग नहीं देख पाते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ पर अपडेट मिलते रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।